प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं तुम्हें पाइथागोरस प्रमेय से के संबंधित कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं, जो तुम्हें 9th में, 10th में, छोटी क्लास में भी काम आते हैं और बड़ी क्लास में भी काम आते हैं। ठीक है? कैसे? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? किसी संपाउंड रूल में क्या होती है? ये वैसे जनरली 9th क्लास के लिए और 10th क्लास के लिए, ठीक है, दोनों के लिए, छोटी क्लास के भी दे सकते हैं इसमें। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय, सबसे पहले प्रमेय, सबसे पहले मैं तुमको बता दूं कि पाइथागोरस क्या होता है। पाइथागोरस ये हमारे गणितज्ञ का नाम है, उन्होंने इस प्रमेय को बनाया था और उन्होंने अपने नाम के ऊपर ही इस प्रमेय को बोल दिया, पाइथागोरस प्रमेय। क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल, क्षेत्रफलों के योग, योग के बराबर होता है। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बराबर शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। कैसे? पहले समझा होगा समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, पहले हमें ये क्लियर करना होगा कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। तुम्हारा एक कोण 90 डिग्री का है, इसीलिए समकोण त्रिभुज हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है? अब उसमें कर्ण कौन सा है? कर्ण है सबसे बड़ी भुजा, जैसे हम उसका थोड़ा नीचे लगा लेते हैं, उसको ये हो गया, ये हो गया ए बी और सी। ठीक है? ए बी और सी हो गया। तो उसका क्या मतलब हुआ कि सबसे क्या कह रहा है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का बराबर, कर्ण का बराबर, ये हमारा इसमें वर्ग क्या बनेगा, देखो वर्ग बने हमारा ऐसे, ये हमारा कर्ण का वर्ग बन गया और इसमें क्या वर्ग बनेगा, देखो इस ग्रामीण का वर्ग बन गया और इसमें क्या बनेगा, ये वर्ग बन गया। ठीक है? तो यहां इस नंबर एक आकृति का क्षेत्र वर्ग कर्ण के द्वारा और ये वर्ग बनता है, वर्ग का होता है जिसमें चारों भुजा बराबर हो। क्लियर है? और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का हो, तो यहां ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल सब 90 डिग्री के हैं, इधर यहां भी ये एंगल, ये सब 90 डिग्री के हैं और ऐसे ही ये एंगल सब 90 डिग्री के हैं। क्लियर हो गया? तो कर्ण का बराबर, कर्ण का वर्ग हमारा ये बन रहा है, इस समकोण त्रिभुज में कर्ण का बराबर शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफलों, इस पर वर्ग ये बन रहा है और इस पर वर्ग ये बन रहा है, इस भुजा पर ए बी भुजा पर वर्ग ये बन रहा है, बीसी भुजा पर वर्ग ये बन रहा है और ए सी भुजा कर्ण का वर्ग ये बन रहा है। अब इसका क्षेत्रफल हमने इसको मान लिया, हमने इस भुजा को मान लिया एक्स, ठीक है,
इसको मान लिया हमने वाई और इसको मान लिया हमने जेड। क्लियर हो गया, हमने कर्ण को जेड मान लिया, इसको हमने एक्स मान लिया एबी को, और बीसी को हमने वाई मान लिया। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, माना हमने वर्ग की भुजा दे रखी है, वर्ग की भुजा दे रखी हमें, माना ये हो गया एक्स, ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुणा भुजा या भुजा का स्क्वायर, याद होगा फॉर्मूला, हमने भुजा के स्थान पर एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया, इसी तरीके से ये हो गया भुजा ए बी, भुजा ए बी पर बने वर्ग का क्षेत्रफल। क्लियर हो गया, इसी तरह से इसी प्रकार भुजा बीसी पर, बीसी पर बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये भुजा बना भुजा बाई है, भुजा हमारी क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर हो गया ना। इसी प्रकार यहां लिख रहा हूं, इसी प्रकार भुजा क्या हमारी एसी, एसी पर बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल एसी में भुजा वर्ग भुजा लगेगा या भुजा वर्ग, तो भुजा जेड हो गया, जेड स्क्वायर। क्लियर हो गया, अब आ जाओ इस पर ध्यान से पढ़ो इसको, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग कौन सा है हमारा, ये है ये कर्ण पर बना वर्ग या कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, ये लिखो, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल तो, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, तो कर्ण पर ये वर्ग बनना वाला, इसका क्षेत्रफल ये हो गया क्या हो गया, जेड स्क्वायर बराबर, ठीक है। शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल, शेष दो भुजाओं वाली एक तो ये है और एक ये है, इसका इस पर मुझे वर्ग बनना है, ये एक्स है, ये वर्ग बन रहा है इसलिए क्षेत्र हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसका यहां से क्या हो गया, बाई स्क्वायर हो गया ना, तो ये हमारा फॉर्मूला लग गया आया, ठीक है। अब जेड क्या है, जेड है हमारे देखो कर्ण है ना, ध्यान रखेंगे समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कर्ण ए सी बराबर क्या है हमारा, जेड, यहां से जेड मानना था आधा ए बी क्या है हमारा यहां एक्स और लंब बी सी क्या है हमारा वाई, ठीक है। अब ये जेड क्या हो गया, यहां से जेड हो गया हमारा कर्ण का वर्ग हो गया, एक्स क्या है आधार, आधार वर्ग प्लस वाई क्या है लंब, ये हो जाएगा प्लस लंब का वर्ग, ये हो गया, कहने का मतलब कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। क्लियर हो गया, अब मैं सबको साफ कर रहा हूं, ये समझ आ गया होगा तुम्हारे, ए बी और सी ये तो हो गया हमारा कर्ण, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, ठीक है। तो हमारा ये हो गया फॉर्मूला,
कर्ण का वर्ग बराबर आधा का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। एक चीज मेरी विशेष रूप से ध्यान रखना, जब तक तुम मैथ से पढ़ो, हाई स्कूल तक तो कंबाइंड है ही है, इलेवेंथ में अगर तुम मैथ लो, इलेवेंथ से आगे बीएससी करो मैथ से, एमएससी करो मैथ से, विशेष रूप से ध्यान रखना फॉर्मूलों को कभी रटना मत। समझने में चाहे हमें टाइम कितना भी लग जाए, एक घंटे दो घंटे एक दिन दो दिन चार दिन, जितना टाइम लगे समझने में लगा देना, लेकिन फॉर्मूले को कभी रटना मत, क्योंकि रट लेंगे हम 100% है हम उसको भूल जाते हैं। रटी हुई चीज को समझी हुई चीज हम कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते, ठीक है। आते हैं इधर अपने, तो कर्ण का वर्ग बराबर हो गया, इस तरीके से तुम ये थोड़ा बढ़ा सकते हो, इस वजह से मैंने पूरा बताया डिटेल में तुम्हें। कर्ण बराबर हो गया, कर्ण का वर्ग बराबर हो गया आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब हमें कर्ण निकालना है तो क्या करेंगे, यहां से मैं स्क्वायर है, ये स्क्वायर यहां से हटेगा और यहां हमारा वर्गमूल का साइन आ जाएगा, स्क्वायर रूट का साइन आ जाएगा, क्या हो जाएगा आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये हमारा बन गया फॉर्मूला नंबर एक, जब हमें आधार दिया है लंब दिया है तो हमें कर्ण निकालना है, ठीक है। अब हम इस पर दोबारा से आ जाते हैं इसी को लेके, अगर हम आधार को इधर ले आए, हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, ऐसे भी ले सकते हैं। ये पूरी साइड हमने इधर लिख दी और ये पूरी साइड हमने इधर लिख दी, जब दोनों साइड आपस में पूरी तरह से चेंज होती हैं, बदलती हैं, तो साइड चेंज नहीं होता। किसी साइड में से अगर कुछ हिस्सा ही हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो साइड चेंज होता है, अगर पूरी साइड चेंज करेंगे, इसको हम इधर ले आए लेफ्ट में और राइट वाले को लेफ्ट वाले को राइट में ले गए, तो साइड चेंज नहीं होता, ठीक है। तो हमने इसको यहां लिख दिया और इसको हमने यहां लिख दिया, क्योंकि फॉर्मूला बनाने में आसानी रह जाएगी। अब क्या करेंगे, हमें निकालना है आधार, आधार का वर्ग क्या हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा लंब का वर्ग, तो हमें आधार निकालना है, तो आधार क्या हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग का वर्गमूल। ये हो गया हमारा नंबर एक फॉर्मूला, ये हो गया हमारा नंबर दो फॉर्मूला जिनको हमने बनाया। अभी हम लंब को ट्रांसफर किया था, लंब को ट्रांसफर किया, अब हम आधार को ट्रांसफर करेंगे, क्या हो जाएगा तुम्हारा, इधर क्या बचेगा लंब बचेगा, हो जाएगा लंब का वर्ग बराबर, लंब का वर्ग हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, ठीक है। लंब हमें निकालना है तो लंब बराबर होगा यहां से हमारा ये स्क्वायर ना चढ़के स्क्वायर रूट में जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तुम्हारा क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर तीन ही हो गया, ठीक है। अब हम कर्ण निकालना है तो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग का स्क्वायर रूट वर्गमूल, अगर हमें आधार निकालना है तो कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग माइनस करेंगे और वर्गमूल निकालेंगे, अगर हमें लंब निकालना है तो कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग माइनस करेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर वन, जैसे हमें ले रखा है ये एंगल 90 डिग्री का है पी क्यू आर, ये हमें दे रखा है आना 3, ये दे रखा है 4, कह रहा है कर्ण और ये 90 डिग्री का है, बोल रहा है पी आर निकालो कर्ण निकालो, क्या हो जाएगा देखो पी क्यू मतलब आधार हो गया बराबर हो गया 3 सेंटीमीटर जो भी दे रखा है, और क्यू आर लंब होगा परपेंडिकुलर हो गया, ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर, हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज पी आर मतलब कर्ण, क्या होगा फॉर्मूला कर्ण वाला, ये हो अंडर रूट आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग का वर्गमूल, अंडर रूट आधार का वर्ग
प्लस लंबवत। देखो आधा कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर, लंब कितना है 4, 4 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3 का वर्ग 3 3 9 प्लस 4 का वर्ग 8 16 बराबर अंडर रूट 25, और 25 का निकालेंगे वर्गमूल तो हमारा 5 आएगा, इसीलिए पी आर कर्ण बराबर 5 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक नया एक क्वेश्चन बता रहा हूं, जैसे हमें दे रखा है कौन दे रखा हमें 12 और ये दे रखा हमें 8, ये दे रखा है हमें 8 BC आधार, तो ये लंब पूछ रहा है, ये तो 90 डिग्री का है तो ये भी पूछ रहा है, क्या करेंगे लिखेंगे कौन AC बराबर 12 सेंटीमीटर आधार BC बराबर 8 सेंटीमीटर और AB पूछ रहा है, AB मतलब लंब पूछ रहा है, लंब AB मैं निकालना है, ठीक है। कैसे करेंगे, यहां हो जाएगा लंब AB बराबर होगा अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, अंडर रूट कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण दे रखा है 12 माइनस आधार दे रखा है 8, तो 12 का वर्ग क्या हो जाएगा 144, 12 × 12 माइनस 8 का वर्ग हो जाएगा 64, घटाएंगे हम इसको तो 4 में से 12 × 144 8 × 64 4 × 0 हो जा, और 14 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 8 बचेगा, ठीक है। 12 × 144 और 8 × 64 80 हो जा, 80 के हम फैक्टर करेंगे क्या जाएंगे 2 × 4 × 8 × 16 × 80, ठीक है। 1 और 2 ये बन गया हमारा, हम दोनों में से एक ही बार लेंगे 2 × 2 5 का पेयर नहीं बन रहा तो हम उसको ऐसे लिख देंगे (√5) क्या हो जाएगा 2 × 4 √5 सेंटीमीटर, ये हमारा आ गया लंब AC, क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और, फर्स्ट लास्ट चाहिए, इसमें हमने कर्ण निकाला था, यहां पर लंब निकाला है, अभी हम आधा निकालेंगे। थर्ड एग्जाम्पल, हमें कोई समकोण दे रखा है ये PQR, ये 10 है, ये हमारा 8 है, हम इसमें यहां लंब निकाल दिया हमने, यहां कर्ण निकाला था, यहां निकालेंगे हम आधार, या लंब निकाल दिया तो यहां निकालेंगे हम आधार, ये हमारा हो गया 6, ठीक है। एग्जाम्पल 3, पहले वाले क्वेश्चन में कर्ण निकाला था, दूसरे वाले क्वेश्चन में ये हमारा दूसरा सेकंड एग्जाम्पल है, इसमें हमने निकाला था लंब, अब हम निकालेंगे आधार PQR, ये हमारा 10 है, त्रिभुज हमारा 6 है, तो क्या है PQ बराबर 10 सेंटीमीटर और QR बराबर 6 सेंटीमीटर, हमें निकालना है PR, क्वेश्चन मार्क, तो PR क्या होगा अंडर रूट PQ² माइनस QR² इक्वल टू अंडर रूट PQR कितना है 10² माइनस 6² अंडर रूट, ये जाएगा 100 10² माइनस 6 का 37 हो जाएगा, ये हो गया बताएंगे तो अंडर रूट 64 आया, 64 का हम फैक्ट नंबर रूट लगा लेंगे तो हो जाएगा 8, अर्थात PR हमारा आधार आ गया 8 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कर्ण निकालने वाला, दूसरा लिया लंब निकालने वाला और तीसरा लिया इसमें हमने आधार निकाला, ठीक है, जो हमारा आधार।
मुझे उम्मीद है वो ये सवाल में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे।